चंद एक लोग हैं और इधर ही खड़े रहे, इस धरती के सबूत है और आपने साबित किया कि जिस तरह आप खड़े हैं और डट के खड़े हैं और इस तरह अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और अपनी जुबान। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम अब्दुल्ला शाह, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ये मेरे साथ अभी इधर वो कर्नल समी है, वो भी आप मिलने के लिए आए आप थोड़े पीछे हो ना, इसमें डालिए ये डलवाते हैं बच्चे। मैं आपसे फोटो बनवाना चाहता हूँ। जी सर, श्योर। आप ये पीछे भाई को दें, ये बनाएंगे, मैं आपके करीब हो जाता हूँ। इधर से आप दूर चले जाएंगे, आप इनको दें, ऐसे मैं करीब आ जाता हूँ आपके। आपके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। इसमें कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए, अल्लाह आपको जिंदगी दे। थैंक यू, थैंक यू। हम यहाँ पे हाजिर हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, और आप सबसे गुजारिश है कि हम वतनों की मदद के लिए आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आज भी रात गए तक यहाँ पे हूँ, इंशाल्लाह एक दो बजे तक यहाँ बैठेंगे और कल भी इंशाल्लाह रात को हम यहीं पे आप लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच। ये 5 लाख का चेक है, ये हमारे भाई हैं सिबुर रहमान हॉकॉन्ग से भेजा और ऑर्डर ये था कि आपके हाथ में। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये इसको ये सिर्फ हमने मैनिफेल नहीं किया, ये क्रॉस चेक है, जैसे आप कहेंगे इसको करने की मेरे सिग्नेचर्स कर लें। आप अपना नंबर हमें लिखवा दें साहब, ये आपका चेक है? अपना मेरा पर्सनल चेक। अच्छा, आप अपना नंबर बता दें उमर को और उमर चेक इसे डाल। सिंध में बहुत बुरी सूरत हाल है तो आप सबसे गुजारिश है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पर कैंप लगाएँ, तो सदीक भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको इनिशिएट किया और फिर हमें यहाँ पे मौका दिया। अब हम यहाँ पे आ गए और इंशाल्लाह आज का दिन और कल का दिन मैं खुद यहाँ पे ड्यूटी दूंगा और परसों हम लोग दादू चले जाएंगे, सामान हमने रवाना करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि सिंध में जो आप बता रहे हैं सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, तो इसमें सिंध की हुकूमत है क्या ऐसा किरदार है? हुकूमत नहीं है वहाँ पर। इमरान भाई ये बताएं कि बताया जा रहा है कि वहाँ प्रोफेशनल बैगर्स आ गए हैं, तो उनके लिए आपने क्या हाल निकाला? नहीं नहीं, वो ये सिर्फ आपको सड़कों पे थोड़े बहुत लोग नज़र आते हैं और वो भी इक्का दुक्का, एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और वो बैगर्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा लोग। जो ज़्यादा लोग आपको शुरू में शहरों में मिलते हैं ना वो बैगर्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप सैलाब ज़्यादा इलाकों में पहुँचते हैं वहाँ बैगर्स नहीं जा सकते, वहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं है। जी सर भैया, तमाम बिलागर जवान को रास्ता दें। अच्छा पता क्या, यहाँ से खवातीन के लिए जगह छोड़ दें, यहाँ से आप लोग ना मेरी अर्ज़ सुने। लेकिन ये हमारी बहनें इंतजार कर रही थी, ये खवातीन है, इनके लिए जगह तो मेरा ख्याल है बहनों के पास ही चलते हैं, उनको इधर आने दें, इधर आना चाहते हैं उनको, ये भी सुनने वाली जो मरने के यार प्लीज ये रास्ता पीछे हो जाए भाई।